हो गया अंकल जी, पेट्रोल खत्म हो गया। अच्छा अच्छा, आप बैठो, हम पीछे से ढकेलते हैं साइलेंसर पे, आप बैठ के चलो। एक मिनट, हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम टू संजीत सांडिलिया ब्लॉग्स। आज मेरा पहला सोलो राइड है मोटो ब्लॉगिंग का, और आज हम लोग पटना से बख्तियारपुर जा रहे हैं, तो पहले पेट्रोल रिफ्यूलिंग करवा लेते हैं, और उसके बाद पॉल्यूशन इसका पहले ख़त्म हो गया तो उसके बाद पॉल्यूशन बनाएंगे, उसके बाद चलते हैं हम लोग राइड पे। तो चलिए चलते हैं। गोला रोड मोड़ पहुंच चुका है भैया हम लोग। ये पेट्रोल पंप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सीएनजी मिल जाएगा, हमेशा भीड़ ही लगा रहता है सीएनजी के लिए यहाँ पे। और ये राजा बाजार फ्लाईओवर है जो कि 3 किलोमीटर है इसका डिस्टेंस लगभग। भैया का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, देखते हैं अगर ढकेलने का होगा तो मैं देखता हूँ ऑप्शन। क्या हो गया अंकल जी, पेट्रोल खत्म हो गया? अच्छा अच्छा, आप बैठो, हम पीछे से ढकेलते हैं साइलेंसर पे, आप बैठ के चलो। एक मिनट, आप बढ़ो, न्यूट्रल करो, आप न्यूट्रल करो, आप चलो, आप चलो चलो, आप चलो। अंकल को हेल्प कर दिया। कहाँ से आ रहे हैं अंकल? एक मिनट, अब यहाँ से कैसे जाओगे अंकल? मिलेगा, आप ऑटो पकड़ लो, ऑटो पकड़ कर पेट्रोल लेते आओ, बोतल एक आपको पेट्रोल पंप के पास मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है अंकल, बस आशीर्वाद दे दो अंकल। ठीक है सर, प्रणाम। अब उतर जाओगे आप आराम से, ऐसे कभी भी रोड पे अगर किसी को हेल्प चाहिए तो आप लोग ज़रूर हेल्प करें। जैसे कभी किसी का हेल्प करोगे तो आपको को भी हमेशा कोई हेल्प करेगा कोई ना कोई, इसलिए हमेशा हेल्प करो एक दूसरे को। और भगवान को दर्शन कर लेते हैं बजरंगबली का, पहले बजरंगबली का दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। पट तो बंद हो चुका है, फिर भी प्रणाम कर लेते हैं। अभी तो मैं राजवंशी नगर से क्रॉस कर रहा हूँ, और गवर्नर हाउस होते हुए इको पार्क दिखाते हुए मैं आप लोग को आगे बढ़ूँगा। वो अब इको पार्क खुला है तो क्या रिस्पॉन्स है वहाँ, और उसके बाद मैं बाईपास पकड़ूँगा और वहाँ का दिखाऊँगा मैं क्या रिस्पॉन्स, बाईपास का क्या रिस्पॉन्स है ट्रैफिक का, क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ बाईपास पे। तो देखते हैं आज क्या हाल है ट्रैफिक का वहाँ पे। पार्क बंद है, इको पार्क बिल्कुल बंद है, तो वापस चलता हूँ और देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स है। और गर्मी के दिन में नारियल पानी बहुत ही हेल्थ के लिए सही रहता है, तो मैं नारियल पानी भी पीऊँगा। अभी आगे चलता हूँ थोड़े दूर, अभी तो घर से ही निकला हूँ, तो आगे चलता हूँ तो फिर। और आप नीचे चल जाएंगे तो आप बस स्टैंड को चल जाएंगे, लेकिन मैं बस स्टैंड से नीचे से नहीं जाऊँगा, ऊपर से होकर जाऊँगा, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, इस वजह से मैं नहीं जा रहा हूँ। और ये बस स्टैंड कुछ ही दिनों में चेंज होकर दूसरे जगह जाने वाला, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो दिखाऊँगा उसका लोकेशन क्या है, और बहुत ही बड़ा है, इसलिए मैं नीचे से ना जाकर ऊपर से जा रहा हूँ ट्रैफिक से बचने के लिए। बहुत देरों के बाद कुछ खाली मिला है ट्रैफिक, और ट्रैफिक कुछ का नहीं, बस मिसगाइडिंग है ट्रैफिक पुलिस की, बेवकूफ़ी की वजह से यहाँ जाम लगा रहता है। बाकी बिल्कुल रोड आप खाली देख सकते हैं यहाँ पे। हम लोग आधे घंटे से ट्रैफिक में थे,
क्योंकि मेरा शर्ट पूरा गीला हो चुका है। अभी अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे ममता फूड प्लाजा, जो कि यहाँ से अभी करेंटली 39 किलोमीटर है एंड 45 मिनट का रास्ता है ये। तो हम लोग चलिए चलते हैं एंजॉय करते हुए राइड। मेरे सामने पटना बख्तियारपुर फोर लेन टोल प्लाजा आ चुका है। और अगर आप लोग ने अभी तक फास्टैग नहीं लगाया अपने गाड़ी में तो लगवा लें, क्योंकि 31 मार्च 2021 तक लास्ट डेट है, उसके बाद शायद मे भी लेट फाइन लगे। सारा यहाँ पे कैशलेस लेन हो चुका है। अगर आप नहीं भी आपके गाड़ी में फास्टैग तो आप फास्टैग लगवा लें। और गवर्नमेंट ने 31 मार्च 2021 तक आपको टाइम दिया है फास्टैग लगवाने का, तो आप कार में लगा ले। और हम लोग फ्री लेन में चल रहे हैं क्योंकि बाइक और ऑटो का फ्री है लेन है। हम लोग ये हो चुके हैं और ये बिल्कुल देख सकते हैं रोड खाली। ये फोर लेन है, आप यहाँ से राजगीर, बोधगया, नवादा सब जा सकते हैं। बिहार शरीफ जाने के लिए रास्ता जाती है। और बहुत सारे गाड़ी पेंडिंग में अभी लगे हुए हैं बहुत ट्रैफिक की वजह से। और यहाँ से हम लोग अभी चलेंगे ममता फूड प्लाजा। और हमारे सामने ममता फूड प्लाजा आ चुका है, जो कि 49.6 किलोमीटर। हम लोगों ने सिर्फ ममता फूड प्लाजा आने के लिए राइड किया है। बिल्कुल ये अपने आप में बहुत बड़ा वही वाली बात है, ममता फूड प्लाजा। वेलकम टू ममता फूड प्लाजा। तो चलिए चलते हैं अंदर, पहले फ्रेश होते हैं, चेहरा देंगे। भाई मेरे साथ सूर्यकांत है, उसके बाद चलते हैं हम लोग, जब मिलते हैं अंदर फ्रेश होने के बाद। ममता फूड प्लाजा पे हैं, जो कि पटना से राइड करके 60 किलोमीटर अप्रॉक्स चलाए वन साइड से। और अभी हम लोग यहाँ रेस्ट कर रहे हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे, मौज मस्ती करेंगे, रेस्ट करेंगे, क्योंकि एक्चुअली मोटिव था रेस्ट लेने का। तो इसके बाद हम लोग फिर वापस पटना जाएंगे, क्योंकि फिर से 60 किलोमीटर राइड करना होगा। टोटल अप्रॉक्स 120 किलोमीटर हो जाएगा। अगर ये फर्स्ट राइड था मेरा मोटो ब्लॉग, मे बी आप लोग को अच्छा लगे या ना लगे आई डोंट नो, बट प्लीज़ लाइक करना, अप्रिशिएट करना मेरी वीडियो को, क्योंकि मैं और मोटिवेट होकर आप लोग को अच्छे अच्छे वीडियो बना कर दूँ। थैंक यू।